हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोको वर्ल्ड 1985। फ्रेंड्स, बीच में मैंने वीडियो डालनी बंद कर दी थी और उसके लिए सॉरी। और अब मैं वीडियो अब कंटिन्यू डालूंगा अपने चैनल पे। और ये मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरे बगीज बर्ड हैं, जो देखे कितने हेल्दी और कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जब भी इन्हें कुछ दाना पानी देता हूँ, ये सिर्फ कंगनी ही देता हूँ और कुछ एक्स्ट्रा इन्हें कोई फीड नहीं कराता हूँ। ये मेरी कॉकटेल है, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी हेल्दी कॉकटेल है ये भी। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा इधर उधर का सामान ना खिला के आप रेगुलरली कंगनी अगर खिलाएँ तो ये हेल्दी रहते हैं। और गर्मी के सीज़न में जो है इन्हें टाइम टू टाइम पानी एक चेंज करते रहें तो आपके बर्ड्स हेल्दी और फिट रहेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने बर्ड्स को चाहे लवबर्ड हो, कॉकटेल हो या बगीज हो, आप उन सभी को अगर हेल्दी रखना चाहते हो तो ज़्यादा इधर उधर के फीड ना खिला के आप रेगुलरली जो फीड होता है वही आप दें और सनफ्लावर दें। और जो बगीज होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंगनी ही प्रोवाइड कराएं। कंगनी और सनफ्लावर का यूज़ करने से इन बर्ड्स को हेल्थी और ताकत मिलती है, प्रोटीन मिलता है, जिससे ये हेल्थी रहते हैं। और साथ में जो इनकी प्रोटीन की मात्रा होती है वो आप सेंधा नमक जो होता है वो भी आप अपने गेज में रख सकते हो, जिससे इन्हें जो नमक के प्रोटीन कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो उससे पूरी हो जाती है। और एक चीज़ और आपको बर्ड्स वगैरह की शॉप पे मिल जाएंगी, एक होता है समुद्री झाग। समुद्री झाग के नाम से एक पत्थर मिलता है, वो भी आप अगर अपने लव बर्ड्स की और कॉकटेल की और बगीज की गेज में लगाओगे तो उससे भी इनको बहुत बेनिफिट होगा। और अपने गेज में कुछ इस तरह से कैंडी टांग देनी चाहिए जिससे कि आपके जो भी बर्ड्स हैं वो इंजॉय कर सकें, वो उड़ के उन पर बैठ सकें। और उन्हें उस तरह का माहौल देना चाहिए जैसे कि ये एक जंगल में हो। नेचुरली हर चीज़ इसमें बनी होनी चाहिए। आप इसमें वीडियो में देख रहे होंगे, ये मैंने बनाया है, कितना खूबसूरत ये देखिए पिंजरा बना रखा है इनका बैठने का। और ऐसे ही अगर आप अपने गेज में अगर ऐसा कुछ बनाते हो तो उससे बर्ड्स को इंजॉयमेंट करने का मौका मिलता है। और देखिए कितना बेहतरीन ये बर्ड्स इस टाइम इंजॉय कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, इस पे बैठ रहे हैं आके। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई बर्ड्स अपने पास घर लेके आते हो, अपने गेज में डालते हो, तो सबसे पहले आप अपने बर्ड्स को सेपरेट किसी अलग गेज में रखें और उसके बाद ही आप उस गेज में कॉलोनी में उसको छोड़ें। क्योंकि हो सकता है बाहर से कोई चीज़ अगर आप बर्ड्स को परचेज़ करके ला रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत हो, कुछ इन्फेक्शन हो और वो आपके सारे बर्ड्स को लग जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो भी नई बर्ड्स लेके आ रहे हो उसको सेपरेट गेज में रखना चाहिए और उसके बाद आपको अपनी कॉलोनी में इस बर्ड्स को छोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो मैंने कुछ बातें बताई हैं ये आपके बर्ड्स को हेल्दी रखने में बेनिफिट रहेगा और आपकी बर्ड्स हेल्दी रहेंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए अपनी बर्ड्स के लिए पानी का ये एक बॉल रख रखा है और इसमें मैंने कुछ पत्ती वगैरह डाल रखी हैं। और इसमें देखिए बगीज कितनी इंजॉयमेंट से यहाँ पे इसमें नहाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत ये इस टाइम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप अपने बर्ड्स वगैरह को अगर पालते हो, अपने यहाँ गेज में रख रखा है, तो उसमें इस तरह से बकेट में पानी लेके और उसमें कुछ पत्तियाँ डाल दें जिससे कि उन्हें एक नेचुरली पानी का फीड महसूस हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो में देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत और कितना अच्छे तरीके से ये बर्ड्स नहा रही है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आगे की वीडियो में कॉपी